इटावा बकेवर कस्बे के शुभ पाठक फंसे यूक्रेन में, परिवार वालों से चल रही व्हाट्सएप कॉल से बातचीत। यूक्रेन में कीव के सिटी सेंटर के पास कीव पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट हॉस्टल में है शुभ पाठक। इटावा की कस्बा निवासी शुभ पाठक बीटेक के छात्र है। रूस हमले के बाद व्हाट्सएप के जरिए घर वालों से हो रही है बातचीत, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ के हालात बहुत ही खराब है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खाने पीने के सामान में दिक्कत हो रही है। लगातार इंडियन एजेंसी से बातचीत चल रही है। इंडियन एजेंसी का कहना है जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाएगा। क्या नाम है सर? मनोज कुमार पाठक। अच्छा, यूक्रेन में जिस तरीके से हमला हो रहा है, कहीं ना कहीं जो इंडिया के लोग वहाँ छात्र फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपका एक बेटा सुख पाठक ही फंसे हुए हैं, तो क्या हालात है इस तरीके? इसमें हालत बहुत ख़राब है और वो निकलने के लिए सोच रहा है। अभी जहांगीर किया था, वहाँ से फिर वापस मिलिट्री मना कर दिया, अभी नहीं कि कोई जा पाएगा। अब फिर वो अगर बंकर में आकर रह गया है। अब परेशान तो है बेटा, पैसा तो परेशान हो रहा, बैंक सब बंद हो गया, उसके वहाँ पर दिक्कत तो उसको काफ़ी हो रही है। सरकार से यही गुहार है कि भाई किस तरह मेरा बेटा वापस आ जाए, और सभी बच्चे आ जाए, हमारे तो सभी बच्चे हैं वहाँ पर, परेशानी तो है सबको। बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही इस समय। तो जैसे आपको वहाँ बेटा है, तो किसी तरीके से कोई ऐसी सुविधा नहीं देगी जिससे बेटा आपका यहाँ पहुँच सके? इस समय कोई सुविधा नहीं, सर बंद है इस समय प्लेन वगैरह, और ट्रेन के रास्ते आना चाहता था, वो भी रास्ता बंद कर दिया उन्होंने कि नहीं अब वापस लौट जाओ, वापस आ गए वो। तो कोई ऐसा वहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं देगी जिससे हवाई जहाज द्वारा या किसी तरीके से यहाँ पे पहुँच सके? नहीं, सेवाएं बंद है सभी सेवाएं। तो अभी किसी ऐसे आपकी कोई संबंधित अधिकारियों से बात हुई? हाँ, लखनऊ बात हुई है, उन्होंने भी भरोसा दिलाया है, और भी बात हो रही है, सब लोग भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन अब एक बच्चा तो है नहीं, सभी लोग साथ साथ आएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना है कि इस तरह बच्चे हमारे सुरक्षित निकला है सभी। सरकार से क्या मांग? सरकार से ही मांगे, सरकार जल्दी जल्दी हमारे बच्चों को सुरक्षित निकाले, उनका ध्यान रखें। तो आपका बच्चा कौन सी डिग्री करने पहुंचे थे वहाँ पे? बीटेक करने गया यार उसमें से। अच्छा, लगभग कितना समय हो गया? दो साल हो गए। दो साल हो गया।